महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक विधायकों की बगावत और शिंदे गुट के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिरने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में सीएम उद्धव ने सत्ता बचाने के लिए अपने पुराने साथी बीजेपी को याद किया है। खबरों के मुताबिक 21 जून को उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में बैठे बीजेपी आलाकमान से संपर्क साधा, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शिवसेना ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कॉल किया था। शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे को जो भी बात करनी है वो खुलकर सामने आकर करते हैं। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत दी है। कोर्ट ने इसे अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है, जिसके बाद एक बार फिर शिंदे गुट फ्रंट फुट पर तो शिवसेना बैक फुट पर आ गई है।